हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मामूनी। आज हम HTML वेब पेज पर HTML और CSS को लेकर एक सिंपल सा ड्रॉप डाउन मेनू बार क्रिएट करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे और यहाँ हम HTML स्ट्रक्चर लिखेंगे और टाइटल टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ड्रॉप डाउन मेनू बार ड्रॉप डाउन मेनू बार। तो बॉडी के अंदर मैं यहाँ यूएल टैग को ओपन करती हूँ और यूएल के अंदर मैं एलआई टैग को ओपन करती हूँ। तो यहाँ मैं होम लिख देती हूँ और मैं फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ। ये है हमारा वेब ब्राउजर जिसमें हम आउटपुट देखेंगे। तो इसे मैं अभी रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए ये हमारा होम आ गया है। तो मैं भी इसे एंकर टैग लगाती हूँ href। तो मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ हर्स और यहाँ अंकर टैग को क्लोज कर देती हूँ। तो मैं इसे अभी कॉपी करके दो तीन बार पेस्ट कर देती हूँ। मैं भी फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए ये हमारा अंकर टैग लगाने से अंडरलाइन और टेक्स्ट ब्लू हो गया है। तो मैं ये एक होम कर रख कर और होम को डिलीट कर दूंगी और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अबाउट और यहाँ कॉन्टैक्ट और यहाँ सिटी और यहाँ पर फोन। मैं भी इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ। देखिए यह हमारा चेंज हो गया है। तभी मैं index.html से ईवेल को कॉपी करती हूँ और स्टाइल डॉट में इसे मैं पेस्ट करती हूँ कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो मैं हम मार्जिन पकड़ा देती हूँ 0 और पेरिंग दे देती हूँ 0 और मैं index.html पर जाकर टाइटल के बाद मैं यहाँ लिंक कर देती हूँ style.css। तभी मैं फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो मैं अभी फिर से एक ईमेल को कॉपी करती हूँ पेस्ट। तो ईमेल के अंदर हमने जो एलआई किया था उसे भी मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पेस्ट करती हूँ कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर दे दिया पिंक, डीप पिंक दे दिया और मैं इसे सेव करके अभी रिफ्रेश करती हूँ। देखिए ये हमारा पिंक बैकग्राउंड हो गया है। तो मैं अभी वाइट दे देता हूँ 120 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 30 पिक्सल और लाइन हाइट मैं दे देती हूँ 30 पिक्सल। तो मैं भी सेव करके इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए ये हमारा लाइन हो गया है। तो हमें इसे हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो मैं यहाँ फ्लोट कर देती हूँ लेफ्ट। तभी मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल में आ गया है। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर कर देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा
बॉर्डर बन गया है। तो ये टेक्स्ट को मैं सेंटर में लाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इसे मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ, तो देखिए यह हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। तो अब हमें यूएल और एलाइट को कॉपी कर लेंगे, और इसमें हम जो एंकर टैग ए टैग को ओपन किया था वो भी हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देंगे कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ हम कलर कर देंगे येलो, अब मैं फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट येलो में आ गया है। तो अब हम इसके नीचे जो अंडरलाइन है वो हम अभी हटाएंगे, तो हम कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन और डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक। तो अभी मैं फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ, देखिए ये हमारा अभी ये जो अंडरलाइन था वो कट गया है। तो हम अभी ऐसे करेंगे जैसे हम माउस लेकर वहाँ जाएंगे तो इसका कलर चेंज होगा। तो अभी मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर जाकर यूएल को कॉपी करती हूँ, और फिर से एलआई को, और फिर से ए टैग को, और कलन होवर लिख दिया कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो मैं यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर, चॉकलेट। तो मैं भी फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो देखिए हम जब अभी पिंक कलर है, जब भी हम माउस को लेकर इसके ऊपर जाते हैं तो ये चॉकलेट कलर हो जाता है। तो अब हम ऐसे करेंगे जैसे हम किसी भी ऊपर माउस क्लिक करेंगे, तो हम जैसे कि सिटी के ऊपर माउस क्लिक करेंगे तो ये सिटी का नाम आ जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे तो ये हम को मैं यहाँ से घटा देती हूँ, और यहाँ मैं लिख देती हूँ सर, और यहाँ मैं भी अंकल टैग को क्लोज करके एलाइक को भी क्लोज कर देती हूँ, और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। और दो बार इसे मैं पेस्ट कर देती हूँ, तो मैं इसे डिलीट करके मैं यहाँ पर कट्टा क्लिक करती हूँ। तो मैं भी अंकल टैग को क्लोज करके लाइक को भी क्लोज कर देती हूँ, और यहाँ मैं लिख देती हूँ पूरी अंकल टैग क्लोज लाइक क्लोज। तो मैं भी फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो देखिए ये हमारा अभी आ गया। तो ये तो अब हम इसे हाइड करेंगे,
तो फर्स्ट इवेल को मैं कॉपी कर लेती हूँ, इवेल और एलआई को, और अब हम दूसरा जो इवेल एलआई क्रिएट करे थे उसे भी हम कॉपी कर लेंगे। ब्रेसेस ओपन, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देती हूँ नॉन, सेव कर दिया और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए ये हमारा अभी हाइट हो गया है, तो मोट नहीं आ रहा है। अब हम करेंगे जैसे हम माउस ओवर करेंगे वो दिखाई दे, तो अब मैं ऐसे वेल और एलआई को कॉपी कर लेती हूँ, होवर एलआई कर्ली ब्रेसेस डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक। तो मैं सेल कंट्रोलर सेव करके एम कंट्रोल आर रिफ्रेश करती हूँ। देखिए अब हम जैसे सिटी के ऊपर माउस ओवर करें तो ये हमारा सिटी आ रहा है। तो आप चाहे तो ये बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। तो यहाँ बॉडी को हम कॉपी करके इवेल के ऊपर हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे बैकग्राउंड कलर येलो। तो मैं इसे सेव करके यहाँ रिफ्रेश करती हूँ। देखिए आप इसे कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। Hey there. तो आपको ये वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।